सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशीष। सो गाइस, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसके ऊपर आपको बताया गया कि वंडरशेयर फिल्मोरा 11 को कैसे यहां पे क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम वीडियोज़ यहाँ पर गलत हैं और बहुत सारे वीडियोज़ में तो 9 और 10 को यहाँ पर एक्टिवेट करके दिखाया जा रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको विंडोज वंडरशेयर फिल्मोरा 11 कंप्लीट यहाँ पर सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर बेल आइकन को दबा के ऑल पर यहाँ पर क्लिक कर लें। तो गाइस, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे गूगल पे, और गूगल पे यहाँ पे टाइप करना है टेकी इंडिया। जैसे आप यहाँ पे गूगल पे टेकी इंडिया टाइप करोगे गाइस, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा techieindia.in। techieindia.in के यहाँ पे ओपन करना है और नीचे आपको आना है, देख सकते हैं यहाँ पे वंडरशेयर फिल्मोरा वर्जन 11, इस पर आपको जाना है। और यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर डाउनलोड बटन। तो जैसे यहाँ पर आप डाउनलोड करते हैं गाइस, यहाँ पर आपको डाउनलोड करके क्लिक करके यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है इसे। यहाँ पे आपको 443 MB ये फाइल है, तो इसे कंप्लीट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और इसका जो पासवर्ड है वो रहेगा आपका 123, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना जो है इसे यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया है। तो गाइस, आपको एक एक स्टेप यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट करना है, तो ये मत कहना बाद में कि मेरा यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे जाना है अपने सेटिंग के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ 11 है, तो मेरी सेटिंग्स कुछ अलग है, आपके अंदर भी कुछ यहाँ पर सेटिंग्स कुछ अलग होंगी। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पर अपने जो विंडोज़ डिफेंडर है उस पर यहाँ पर चले जाना है, और यहाँ पर जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है उसे यहाँ पर कर देना है बंद। तो यहाँ पे आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को सारे यहाँ पे बंद कर देना है, और जो भी आपके पास यहाँ पर एंटीवायरस है उसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बंद कर देना है। इसके बाद गाइस, आपको करना क्या है कि आपको अपना यहाँ पे जो आपका वाईफाई है जिससे आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसे भी आपको यहाँ पे बंद कर देना है। बंद करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपने आना फोल्डर के अंदर जहाँ पर आपने अपना वंडरशेयर फिल्मोरा 11 को डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसे करना है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको कर देते हैं, हम यहाँ पर इसे कर देते हैं एक्सट्रैक्ट यहाँ पर, और इसका पासवर्ड आपको डालना है 123। 123 डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इसे ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास यहाँ एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पर सेटअप है, सेटअप के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसे यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कर देना है। तो सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर फिल्मोरा 11 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको करना है एग्री, और इसे करना नेक्स्ट, और इसे दोबारा नेक्स्ट करके इसे यहाँ पे इंस्टॉल होने देना है। तो गाइस, यहाँ पर है जो हमारा वंडरशेयर फिल्मोरा 11 है वो यहाँ पे इंस्टॉल हमारा हो रहा है। और तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें ताकि हम ऐसी वीडियोज़ और आपके लिए लेकर आते रहें। तो गाइस, यहाँ पर फिल्मोरा 11 यहाँ पर मेरा इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा फिल्मोरा 11 है वो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पर जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और आपको करना क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्रैक फाइल है, क्रैक फाइल को यहाँ पे आपको ओपन करना है, और यहाँ पे आपको करना है इन सबको यहाँ पे कॉपी। तो यहाँ पर इन सबको कर लेते हैं, हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन सबको कॉपी कर लिया, और वापस से आपको जाना है यहाँ विंडोशेयर फिल्मोरा 11 के ऊपर, और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे करना है ओपन फाइल लोकेशन। तो जैसे आप यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन करते हैं गाइस, यहाँ पर आपको आना है और इन सभी फाइल्स को यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो यहाँ पर ही आपको आईपी के तौर पर यहाँ जो फाइल का फोल्डर है इसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और जैसे आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे, तो आपको करना रिप्लेस फाइल्स एंड डेस्टिनेशन। तो आपको यहाँ पर रिप्लेस फाइल डेस्टिनेशन कर देना है, और उसके बाद करना है आपको इसे बंद, और इस अपने जो आपका फिल्मोरा है 11 यहाँ पर इसे कर देना है यहाँ पर लॉन्च। तो जैसे आप यहाँ लॉन्च करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका फिल्मोरा 11 है ये यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर सेटअप हो चुका है, वो भी बिल्कुल क्रैक के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फिल्मोरा 11 आ चुका है। और क्रिएट प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर करता हूँ, और यहाँ पर कोई भी एक वीडियो यहाँ पर इम्पोर्ट करके आपको शो करता हूँ।
देखिए जैसे मैं यहाँ एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी और इसमें कोई भी आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई भी यहाँ पे आपको मार्किंग वगैरह या फिल्मोरा की जो मार्किंग है वो यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी वीडियो है यहाँ पे प्ले हो रही है और कोई भी यहाँ पे जो मार्किंग नहीं थी। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे फिल्मोरा 11 को कंप्लीट यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। और देख सकते हैं फिल्मोरा 11 है हमारा, बिल्कुल ही रियल हमारा जो है ये सॉफ्टवेयर है, वर्जन 11.6.3।